चेयरमैन और हर ट्रस्ट यानी मजदूर भाइयों हर खैर ट्रस्ट के कानूनों पर बोले। मैं सबसे पहले हर खैर ट्रस्ट का चेयरमैन साहब का कारी साहब का और आप सबका एफपीसीसीआई की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अल्फेयर ट्रस्ट ने हर वक्त अल्फेयर ट्रस्ट ने अपना रोल अदा किया। अगर आपकी मंशा ये है, आपकी सोच और आपकी विजन ये है कि मैं उस भाई की खिदमत कर रहा हूं जो न मुझे जानता है, न मैं उसको जानता हूं, न मैंने उसको देखा है, न उसने मुझे देखा है, ये खिदमत मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की रजा के लिए अपने भाई की खिदमत करता हूं। कितनी हिम्मत, कितनी जुर्रत, कितनी ईमानदारी, कितने दर्द के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बेसियत है मुसलमान हमारा ये ईमान है। और जब हम ये इरादा करेंगे कि हम इन भाइयों के लिए उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इनके सर पर, इनके बच्चों के सर पर हम एक छाया नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह ताला ये होगा और बेल्कवामी दुनिया सब हमारी इमदाद करेगी जब इनकी इमदाद के लिए सबसे पहले हुकूमत आगे आए और उसके बाद पाकिस्तान के आवाम सामने आए और उसके बाद पाकिस्तान की फिटनेस कम्युनिटी सामने आएगी, तो जब दुनिया देखेगी कि पूरी कौम यकजा हो चुकी है और अपने मुतासरीन की मदद कर रहा है, तो फिर सारी दुनिया जैसे कि अक्टूबर 5 अक्टूबर 2005 को दंगल आया, पूरी कौम एक हो गई और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया पूरे पाकिस्तानी कौम एक हो गया और जिस तरह आईडीपी का मसला आया पूरी कौम एक हो गई, तो तीनों मसलों में अल्लाह ताला ने हमें सुरखुरू किया और उन मुश्किलात पे हमने काबू पाया। एक बार फिर वक्त आ गया है कि पूरी कौम एक हो जाए और हम ललकार दे इस डिजास्टर को कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तानी कौम में वो कुवत मौजूद है कि वो अपने भाइयों की खिदमत करेगा। मैं एक बार फिर आपका और अल-खैर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इनकी मदद और ताउन से ये डिजास्टर कंट्रोल होगा और एफपीसीसीआई का, क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रल पार्ट है, हमारा शराकतदार है, हम हर जगह में अल-खैर की ये तमाम कार्रवाइयां बयान करते हैं, हमारा मुकम्मल ताउन आज भी रहेगा, कल भी होगा और आज में भी तो और फिर भी रहेगा।